इसमें इसके समाप्त हो विचार करने के लिए और वो वीर नागर साहब और उनके सौजन और उनके दो प्रसन्न जनाब गुलजार साहब और जनाब महमूद साहब और तमाम लोगों की मंगल और सज्जा की गर्मी के लिए सवाब के लिए सब मिलकर हमारे साथ चलाकर उनकी दवा फरमाएँ अमानत इमामत को संभाल सकती हूँ पहाड़ के सामने पेश किया
सारे मजबूत पहाड़ों, क्या इमामत की अमानत को संभाल सकते हो? तो इन तीनों अजीम महबूब खुदा से जवाब के बिना फाबाई नाम इनकार कर दिया कि ये वसनी जिम्मेदारी हमारे से उठाई जाने वाली। इनकार कर दिया आसमान ने, जमीन ने, पहाड़ ने, अल्लाह के फरमाता है कुछ इंसान ने इसको उठा लिया जबकि वो उसकी वजन से वाकिफ नहीं थे। कुछ जाहिलों ने, कुछ नादानों ने इसको उठा लिया। इन्ना हुआ मदलूमन जहूला, जाहिलों ने अपने ऊपर जुल्म करने वालों ने इसको उठा लिया। यहाँ पर जो इंसान बताया गया कि लोगों ने उठा लिया, यहाँ पर तफसीर में लिखा हुआ है नदीम की बात जिन्होंने इमामत के हाथ को रस किया है, उनके तरफ इशारा है कि अपने इसकी अहमियत बता नहीं दे रही दे दिया उठा लिया उन्होंने, जबकि उनके काबिल के उठा के आसमान इनकार कर चुका था, जमीन इनकार कर चुकी थी, पहाड़ इनकार कर चुका था। तो कुछ नारा उन्होंने रस किया इसको, कुछ नारा उन्होंने छीन लिया इसको और उठा लिया। तो सही हकदार था उसको तो ये मिली हुई थी, लेकिन कुछ नारा उन्होंने इसको ले लिया। इस आयत को हमने वाक्य के ऊपर खास किया। आज की मुनासिबत जो भी हमने मुसलमान सलाम बना लिया की बात है, तो इससे क्या हम बताना चाह रहे आपकी खिदमत में चंद नुकते हैं कि नुकतों पर गौर करें, उसके बाद कुछ बातें आपके ऊपर खास करता हूँ। पहला नुकता, किसी भी जिम्मेदार इंसान को अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए अपने इलाके वालों का साथ चाहिए, मखसूस अपने घर वालों का साथ चाहिए। जब तक किसी जिम्मेदार इंसान को जिम्मेदारी निभाने के लिए इलाके वालों का साथ ना मिले, घर वालों का साथ ना मिले, तो फिर उसकी जिम्मेदारी का अंजाम पाना एक मुश्किल काम है। इन्होंने काम में हटाए मैं सकता
जरूरत होती है। बीस मांगता जो साल में शराब होते हैं, जो साल में बस होते हैं, उनसे ताल्लुक रखना एक तरफ से शराब भी देता है, इज्जत भी मिलती है, दूसरी तरफ से जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी भी। अब इन तीनों को सुनने के बाद आज जिस बीवी की वफात की याद में हम बैठे इनके बारे में इस जाविये से अगर हम निगाह करें, बाप बहू में कायनात का रहबर, कायनात का रहबर मां बहू में आइम्मा पर हुज्जत, भाई बहू में सिलसिला इमाम को आगे ले जाने वाले दो भाई, करबला आगे आ जाए और रोशनी बांटना शुरू कर दे।
बिल्कुल सुन रहे हैं, ये काम भी काम दिया कर रहा हूं मैं, और सारी अपनी जिंदगी में जहां जहां जाएगा खामोश हो जाती थी वहां पर जनाबे उम्मे कुलसूम कहना शुरू कर देती थी। इसलिए एक बात हम कह सकते हैं शरीफत और हुसैन ज़ैनब भी है, शरीफत और हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी, और शरीफत और हुसैन जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह। एक और बात है आपकी खिदमत में इजाफा कर देता हूं, जो अभी तीन मुकद्दर आपने सुने एक और कदम आगे जा सकते हैं हम। एक मरतबा होता है कि जिम्मेदार इंसान से ताल्लुक रखने वाले कभी कभी रुकावटें ईजाद नहीं करते ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निभा दे सके, कभी कभी जिम्मेदारी बांट लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी को आगे ले जाने में इनका भी हाथ होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे खदीजा के बाद जो जिंदगी में अपने इस्लाम में की, जब भी घर आते घर आने के बाद एक जुमला कहते मन मिथु खदीजा, इस घर में खदीजे की खदीजा की कमी हुए करती। जब भी अंदर आते रसूल घर देखते खदीजा भी आते मन में तो दुनिया की कोई और खदीजा जैसी नहीं हो सकती। उस माहौल में जब खदीजा लोगों ने जो रसूल के पास आ गई थी उन्होंने सुना बार बार तो कहा या रसूल अल्लाह की दुनिया के इनके पास पर इतना आप उसको जाहिर करते हैं, तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये जुमला ना कहो जब सारा मक्का मेरे खिलाफ था खदीजा मेरे साथ रही, जब मैं नबूवत की इंतजार कर रहा था तो खदीजा ने अपना माल पिछा दिया। मतलब क्या है, मैंने खदीजा ने मेरी जिम्मेदारी को हल्का कर दिया, ना सिर्फ रुकावट नहीं बनी बल्कि जिम्मेदारी को अंजाम देने में हिस्सेदार भी बन गई, हिस्सेदार बन गई जनाब खदीजा रसूलुल्लाह के जिम्मेदारी को अंजाम देने में अपने साथ। जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी में शायद मशहूर वाकया जो आप अल्लाह और हमें ज्यादा बीबी के हवाले से मालूम है वो ये है कि 19वीं शब के मौला कायनात के हर दिन एक एक अपने फर्जंद के अपने मेहमान होते थे, तो जिस रात जरूरत लगी उस रात जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान। करबला के बाद थोड़े से बातें जनाब उम्मे कुलसूम के बारे में भी मालूम है, लेकिन आज करबला से पहले और करबला के लिखा हुआ है कि जनाब उम्मे कुलसूम ने दुर्गा
उम्र कितनी है? 6 साल। कुर्ता पहनना एक ऐसा लिबास पहनना जिससे पूरा बदन आकर ढका हुआ हो। बाहर निकली जहां पर लोग बैठे हुए थे, चेहरे पर हिजाब है, माँ के मैयत की तरफ रुख करके जनाबे हुए मुर्शिद ने झूला, निगाह इशारा माँ की मैयत की तरफ था, माँ के दरवाजे की तरफ था, रुख नानक कब्र की तरफ। एक झूला कहा मुर्शिद ने, नाना आज माँ की शहादत नहीं पाकि नाना आज मां की शहादत नहीं आपकी शहादत होगी। इतना कहकर बच्चे दर्शन इस जुमले को अगर हम ज्यादा वजाहत देना चाहें, ज्यादा वजाहत देना चाहें और करना चाहें तो शायद घंटों को आगे हो भी सकता है। नाना आज मां की शहादत नहीं आपकी शहादत होगी। कौन कह रहा है इस पर? और जब 6 साल की जनाबे उम्मे कुलसूम के झूलों में इतनी ताकत है तो दुनिया सवाल ना करे कि हुसैन करबला क्यों लेकर गए। जिस बच्ची के 6 साल में ये शुकूर दाई के करबला होती है, यहाँ से पैगाम मिलता है अपने बच्चों को बच्चे समझ कर खिलौने बात मिलाते महारी में अन्य होते ताकि आने वाले हुसैन के लिए लश्कर जसारत किया जा रहा है इसकी बुनियाद वहां से है।
दुनिया का जिसने जुल्म का पाया ये एक के पादरवान साहिबा की शहादत हकीकत में रसूल की शहादत है इसके लिए रसूल के सारे हदीसों को हम दिया गया रसूल ने क्या कहा फातिमा तो बदतर मिन्नी फातिमा फातिमा नहीं है मेरा हिस्सा है तो फातिमा साहिबा पर पाक मतलब रसूल का पाक है जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझे खुश किया जिसने मुझे खुश किया वो जन्नत में जाएगा जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया जिसने मुझे नाराज किया वो जन्नत में जाएगा ये क्यों मैं आपके साथ कह रहे हैं ताकि कल की आग और लकड़ियां लेकर आना चाहता हूँ तो आग और लकड़ियां लाना इन हदीसों को आग लगाने के साथ जो भी बिंदु उसको पहचान लें जड़ को पहचान लें कि जड़ कहाँ है ये इंसान के लिए हालत हर जमाने में सिर्फ देखने से मसाइल हल नहीं होते अंदर करोड़ों गुना पहचाने Yeah.
बाप भाई साहब को उसकी बेटी को मंजूर होती है, उसकी बेटी साहिबा होती है, उसका बेटा वफास हुसैन हसन के पहला वाक्य। दूसरा वाक्य फातिमा जहरा सलाम की अलैहा शहादत हो गई, बीवी बन हो गई। 25 साल मौलाना कायनात ने एक सुकून की जिंदगी की, आराम की जिंदगी की, कोने में जिंदगी की वहां पे, जब तक शाम जरूर पड़े हो जाते। एक बहुत बड़ा इश्काल है, इंशाल्लाह आप आज सुनेंगे मेरे इसको। एक सवाल किया जाता है कि जब इमाम के मुकाबले में आने वाले इमाम से मशवरा लेते थे तो इमाम मशवरा दे देते या नहीं, अगर इमाम उनसे नाराज होते तो मशवरा क्यों दे रहे? ये मशवरे को लाकर कहते हैं कि फातिमा ज़हरा पर हमला ऐसे शुरू होना गड़ा हुआ फसाना है, हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होती तो कौन अपने दुश्मन का साथ देता है? कौन अपने दुश्मन का साथ देता है? 70 जगहों पर तारीख ने लिखा है कि हलीमा ने जुमों ने एक जुमा पकड़ाया, अगर इस वाक़े में अली ना होते तो मैं मर जाता। 70 जगहों पर मौला ने मुश्किल कुशाई की है, तो फिर क्या जरूरत थी मौला मुश्किल कुशाई करने की? जैसे एक वाक्य आपके खिदमत में अर्ज करें, रसूलुल्लाह की खिदमत में मदीने के अरबाब रहने वाला एक क्रिश्चियन आया, आगे कहने लगा कि या रसूलुल्लाह मैं मसीह हूं, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं आपके मुकाबले में तो समझिए तो आप मुझे क्या देंगे? पैगंबर साहब ने कहा 200 ऊंट जिनके ऊपर रेशम का कपड़ा रखा हो। उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं मेरे पूरे गांव पूरे कबीले को मुसलमान करके आपके पास ले जाऊंगा, आप क्या देंगे? 200 ऊंट जिस पर रेशम का कपड़ा लगा हुआ, एक बहुत बड़ी कीमत है। उसने कहा या रसूलुल्लाह कोई भी बात नहीं, इक्के देंगे। पैगंबर साहब ने लिखा साइन किया, मोहर लगाया, साम किया पैगंबर साहब ने, और उस मसीह के वहां मसीह अपने घर पहुंचा। 2-3 हफ्ते बाद उसको उठा के रह जाते, 2-3 महीने बाद वो वापस समय आया। कहां है रसूल? रसूलुल्लाह की दुनिया से चले गए, और तो यहां पर है। अच्छा कहां है से कहा है? अरे मजाक कर रहे, 200 ऊंट मतलब 200 बड़ी बड़ी कारें आज के जमाने की, वो भी रेशम का कपड़ा, प्योर रेशम रंग के, हमें बहुत बड़ी कीमत। ताकि मजाक कर रहे हो, कहीं देहात से आके कहना शुरू कर दिए। सारे कबीले वालों से ऐलान किया कि वापस चलो, रसूल ना हो तो मिला बातिल ना। जो रसूल अपने जानशीन को वादा मौलाना
अपने सफर को भी पार कर दिया। आपकी फोन भाई नहीं है, बाद में किसी ने फोन किया आपको, जो आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार था, आपकी फोन भाई को पहचानता था कि आपकी फोन भाई पंडित बाबी के पास सामने बैठा है, टूटी पड़ी हुई है, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों जा रहे हैं? जब ले जाने वाला चोर था तो ले क्यों जा रहे हैं? क्या मेरी है? जब इंसान अपनी समझता है तो लेने जाता है। अली ने दीन को अपना समझा, अली ने दीन को अपना समझा था। जब भी पैर टूटता तो अली जाता सही करने के लिए। जब भी दीन को मुश्किल आती, इसी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, एक शेर उन्होंने कहा था, तो अगर जहन में आता है अली अलैहिस्सलाम का पहला जो बैत है, पहली बैत मुझे संदर्शवा मफहूम ये कि अली अल्लाह की तरह, जैसे अल्लाह कुछ नहीं कहता, अली भी अपने अपने नुकसान पे तवज्जो करे, अपने नुकसान पे खामोश ते खाली होता, अपने नुकसान पे खामोश थे खाली की तरह। अगर आज हम सब मिलकर गुनाह करें तो क्या लग सकेगा कि अल्लाह का कुछ हो रहा है? अपने नुकसान पे खामोश थे खाली की तरह, वो अगर दीन का नुकसान अली को दे, वाह वाह वाह, वो अगर दीन का नुकसान अली को दे, यह भी एक गौर करने का मुद्दा है, गौर करने का मुद्दा है। रसूल ने नबी जगेश की, रसूल इस दुनिया से गए, सारी दुनिया ने रसूल की बस विसायत और जानशी का उसी तरह मोड़ दिया। जगेश की दुश्मन हमला नहीं करते थे इस्लाम की सरजमीन को ज्यादा में से 313 में से 50 औरतें होंगी।
ये दुआएं ना करें कि इमाम आजान के इमाम के आवाज़ ना सुने अल्लाह से इमाम पे अली के लिए जो मैंने बता रहा है कि इमाम को ज़रूरत पड़े तो ख़वातीन को भी लेंगे इमाम बजी सो रहे हैं हमारे पास कि 50 ख़वातीन उस 313 में से होती इमाम लेकर गए जब इमाम लेकर वहां पहुंचे उसका दुश्मन का हैवान है उसका दीवान का हैवान किसी ने आकर ये खबर दी कि वहां पर कुछ औरतें अपनी भंकारी में अपने औरतों वाली हसरतों में इसी बात के जरिए से उस लश्कर में मौजूद मर्दों और औरतों को बहका रही उकसा रही ना हक बेहुदा बातें करके बाकी बातें करके बहका रही है। जब यह खबर इमाम के दायरे में पहुंची खवातीन को तो जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया या अली अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं और जवाब दूं जाके मैं जवाब इमाम अभी उम्मे सलमा को इजाजत इमाम ने सुना सवाल के सवाल का अभी जवाब नहीं दिया था इतने जनाब को भी सुन थी कहा कि नानी उम्मे सलमा मसले इमामत में मैं आपसे ज्यादा नहीं मसले मसले इमामत में मैं आपसे ज्यादा नहीं मानती हूँ जनाब उम्मे सलमा ने कहा एक बहुत बड़ा सबक है यहाँ से हमें जब काम हो रहा हो तो कौन कर रहा है ना देखिए हमारे अक्सर काम अधूरे बना रह जाते हैं जब नाम और जनों को देखते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि
अल्लाह ने तुम्हारे भाई को शहीद किया। जहां हम उस पर जवाब दे रहा हूं, हमें जनाब ज़ैनब के इसी सवाल के जवाब देना, इतने ज्यादा जनाब ज़ैनब से पूछा था कि करबला में जो कुछ गुजरा उसके बारे में आपका क्या नजरिया है, अच्छा हो आपके साथ या बुरा हो। तो जनाब ज़ैनब ने जवाब दिया था, जो कुछ करबला में हुआ ज़ैनब के निगाह में अच्छा। मा रअयतु इल्ला अपने आप को तैयार कर ले, जिसको जवाब देना है साथ रसूल रसूल है जिसको जवाब दे। अल्लाह चला एक जुम्मा जो आप मदीना वापस करोगे, मदीना वापस करोगे के बाद मदीने के दरवाजे पर खड़े होकर जनाब ने ऐलान किया हमारे नाना के भाई हमारे आने को ताकि और निकल जाए। एक लता हमने सुना है, ज़ैनब अज़ीज़ यमन,
زینب حسین کا مطلب सलाम उल्लाह अलैहि वसल्लम से बाहर गए तब खाली था जब मदीना पहुंची तो मुसलमानों को देखा जाएगा